चलो अब ये देख क्या मस्त समय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान छोड़ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज हाउ मच ऑन 31 मार्च 2020 है कि नहीं, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्टेन्ड है ना, इंफॉर्मेशन मिली काफी। ये इसका प्रॉफिट इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया था 375, फिर बाद में मालूम पड़ा क्या गलती की, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग ऑफ द शॉप। अभी तूने परचेज किया था उसमें क्या इंक्लूड कर दिया, इलेक्ट्रिक फिटिंग कितने का, तो ये तो गलती से इंक्लूड किया है कि नहीं, परचेस में थोड़ी है कुछ है कि नहीं, परचेस फालतू में डेबिट किया है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग तो एसेट में है कि नहीं, तो इससे प्रॉफिट ये मिस्टेक की वजह है ना, ये इस मिस्टेक से प्रॉफिट कम हो गया कि ज़्यादा हो गया। बोलो बच्चों, इस मिस्टेक की वजह से प्रॉफिट कम हो गई है कि ज़्यादा हो गई है, प्रॉफिट कम हो गई है तो हम ऐड करेंगे ना, बढ़ाएंगे ना। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज थ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द, तो इससे कुछ प्रॉफिट फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एंट्री करते भी सैंपल की तो कहाँ कहाँ लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखते और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे जीपी बढ़ जाएगा, फिर बाद में पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे तो जीपी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना इससे। पर उसने बोला है हनुमान इनवॉइस ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग टू, इनवॉइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 बी एंटर्ड ऑन विच डेट बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन, देखे तुमने परचेस कर दिया लेकिन माल स्टॉक में नहीं लिया, ये गलत है कि सही है बताओ, गलत है ना, तुम लोग को स्टॉक में लेना चाहिए था ना, तो इससे प्रॉफिट और बढ़ेगी कि नहीं। और इन मार्च 20 ये पढ़ा कि नहीं तुम लोग ने, क्योंकि काफी सारी इंग्लिश मैंने 15 सेकंड में पढ़ ली, तुम लोग का ध्यान बहुत दरवाजे पे था, अभी क्या होगा, तो अभी देखो इधर भी थोड़ा। इन मार्च 20 गुड्स ऑफ 2 लाख वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड एंड टेकन इन सेल्स इन अप्रैल 20, ये गलत है ना यार, तो उन्होंने मार्च में माल बेच भी दिया था तो सेल्स लिखना चाहिए कि नहीं, तो सेल्स लिख दो भाई है ना, तो सेल्स बढ़ जाएगी ना प्रॉफिट इससे। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च 20 एट अ मार्जिन ऑफ व्हाट, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल दे वर टेकन एज सेल्स, ओ हो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड एडजस्ट, पहले स्टॉक की वैल्यू गिनो, क्या बोला है, कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक और प्रॉफिट पे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बताओ, कैलकुलेट करने का है। दो बातें, रिमिक्स वाला सम टफ है बहुत ना, ये मेरा सम नहीं है, ये मॉड्यूल में पीछे होमवर्क सम है, अब देखो पहले पार्ट 1 कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कंप्यूटेशन बहुत इजी है, तुम लोग का स्टॉक कितना था पहले, तुम लोग फाइनल अकाउंट में रुपीज इन थाउजेंड्स था ना, तो लिखा ऊपर तुम लोग ने रुपीज इन थाउजेंड्स, 2 मार्क कट जाए खाली फालतू में उसके, नहीं था आज हाँ मेरा,
देख लेते हैं। नहीं था? नहीं नहीं अच्छा ठीक अच्छा ठो अब यहाँ रुपीज है ना सी कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है 3,75,000। देखो ये है ना ये दो चीजें का स्टॉक से कोई लेना देना है क्या? तुम लोग ने अभी पहले स्टॉक पे फोकस करो, खाली किस पे? स्टॉक पे फोकस करो, पहले स्टॉक गिनना है फिर प्रॉफिट गिननी है अलग से, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तुम लोग ने इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेस किया तो आया तो फिटिंग ही था ना, तो स्टॉक गिनने में कोई गलती हुई क्या तुम लोगों नहीं? तुम लोग ने गुड्स बांट दिया तो गुड्स चला गया था, चाहे वो सेल गया सैंपल गया नहीं रिकॉर्ड किया लेकिन चला गया था ना, तुम लोगों का पास था क्या? तुम लोग का था सैंपल दे दिया तो हमारा वापस लेंगे सैंपल, मेरा स्टॉक ला, समझा क्या? ये थोड़ी को सेल्स का छोड़ो, तुम लोग ने ये माल बेच दिया कि नहीं बेचा है? 31 मार्च तक माल तुम्हारा है कि दूसरे का है? और तुम लोग ने स्टॉक में इंक्लूड किया है क्या उसको? तो कुछ नहीं करने का इसका। फिर गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट, कॉस्टिंग क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस नहीं है। तुम लोग ने अप्रूवल पे भेजा था उसमें मार्जिन कितनी थी ऑन कॉस्ट? दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल देवर टेकन एज सेल्स, मतलब तुम लोग ने माल डिलीवर कर दिया था, अप्रूवल कभी मिला? पहले माल बिका था कि नहीं बिका था अभी तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च तक माल किसका था, हमारा था कि दूसरे का था? हमने लिया स्टॉक में नहीं लिया, सेल्स में डाल दिया और माल तो हमारे पास था ही नहीं, तो इसको ऐड करो कि लेस करो? ऐड कितने पे? 1,00,000 पे कि 75,000 कॉस्ट? अच्छा है कॉस्ट दिया, ये लोग ने अगर सेलिंग प्राइस दिया होता ना तो हमको फिर कॉस्ट निकालनी पड़ती। वापस एक बार पढ़ा तो रुको, प्रॉफिट अलग चीज है स्टॉक अलग है। देखो तुम लोग का स्टॉक कितना आया था? हाँ तुम लोग ने परचेस किया था इलेक्ट्रिक और उसको परचेस में लिख दिया तो तुम्हारा का तो परचेस था ही नहीं हो तो स्टॉक के मतलब ही स्टॉक ही नहीं था और लिया भी नहीं ना स्टॉक में। स्टॉक तो हम लोग कैसे लेते हैं? हम लोग स्टॉक अकाउंट से नहीं लेते, हम लोग गिनते हैं।
कितना स्टॉक पड़ा है, समझा कि नहीं। फिर हनुमान सोल्ड गेव अवे गुड्स, तो गुड्स दे दिया उसने, तो उसका था क्या अभी, उसने लिया क्या स्टॉक में, नहीं। हम लोग स्टॉक पे कर रहे हैं, पहले थोड़ा हमारा था, देखो तीन हमारा था, हमारे पास था, हमने लिया क्या, क्या बोलो क्या, हमने स्टॉक में लिया है ना, पास में होगा तो लिया होगा, तो हमारा तो था ही नहीं, तो लेंगे क्या से, ओनर ना ओनर हमारे पास था ना हमारा था वो। अच्छा तुम लोग ने 2.5 लाख का माल डिलीवर कर दिया था, बट परचेस कर दिया था, लेकिन तुम लोग ने स्टॉक में नहीं लिया, तो गलत है कि नहीं, ले ले स्टॉक में भाई, है ना। फिर तुम लोग ने क्या किया, माल सेल करके डिलीवर कर दिया, तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया। सेल्स को छोड़, पहले बताओ मुझे तुम लोग का माल था क्या, हो 31 मार्च को, बोलो बोलो यार, मैं फोर्थ एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। माल बेच के डिलीवर कर दिया, क्या हमारा था वो, नहीं, पर सेल्स में बाद में लिखा, तो स्टॉक तो हमारा था ही नहीं, हमने लिया भी नहीं ना, ना हमारा था ना हमारे पास था। अच्छा ये क्या है, 75,000 वर सेंट ऑन, 75,000 का सेल ऑन अप्रूवल में भेज दिया था, ये माल हमारा था कि नहीं था, था क्या हमारे पास था, क्या हमने स्टॉक में लिया, नहीं लिया ना, तो क्या करने का, एड व्हाट, है ना, कितना बच्चों, तो टोटल मिलाएंगे ना, करेक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, 7 लाख ना, सात लाख ना यार, 2.5 लाख, आया समझ में। अभी करेक्ट प्रॉफिट तुम लोग को अकाउंट बना के चाहिए कि, बोलो यार, ट्रेडिंग अकाउंट बना के चाहिए, बहुत मस्त समय है, होमवर्क सेक्शन में कभी कभी अच्छे होमवर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये नेट प्रॉफिट कितनी दिखाई दे रही है, अब देखो तुम लोग ट्रेडिंग पीएनएल में कुछ भी गलती की है ना, उसको उसका रिवर्स करने का था ना, गलती का रिवर्स करेंगे क्या, ट्रेडिंग और पीएनएल में जो भी गलतियां हुई है, चलाऊं आगे, स्टॉक का मत लेना इसमें, स्टॉक हमने बताया अलग से, साथ में लेना, बनाओ लाइन ड्रॉ करो, है ना। अरे लेकिन ऑनलाइन में एक बहुत फायदा होता है, बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि कितना लाइन छोड़ने का, नहीं तो क्या होता है, फिजिकल क्लास होता है ना, तो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो पहले बाजू वाला कितना लाइन छोड़ा दिखते, अच्छा मेरे खुद वो भी इधर देख रहा होता है, ये कितना छोड़ रहा है ऐसा करते कि नहीं तुम लोग, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ये छोड़ दें इसमें क्या, अरे जब 30,000 फाउंडेशन में डुबा सकते हैं, तो 2-4 लाइन डुबाने से क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा डैडी को, तो देख तुम लोग ने ना परचेस किया और इलेक्ट्रिक फिटिंग में डाल दिया है ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेस किया,
और परचेज में डाल दिया, गलत किया कि नहीं, तो तुम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, ए रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलो, चलो बोलो, इलेक्ट्रिक फिटिंग टू, तो यहां पे क्या आएगा, बाय, अरे परचेस तो चला गया ना, प्रॉफिट बढ़ाऊंगा ना यार, नहीं बढ़ाऊंगा, कम कर दिया था। अच्छा सैंपल दिया ना तूने, तो तुझे तो लिखा ही नहीं यार, तो यहां पे लिख बाय गुड्स गिवन एस, तू लिखता कि नहीं क्रेडिट में बता, हाँ कि नहीं बोल, और यहां पे लिखता टू एडवर्टाइजमेंट ना पी एंड एल में, अगर तू सही अकाउंटेंट होता रिलायबल क्लास से पढ़ा हुआ तो तू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखता और पी एंड एल डेबिट साइड लिखता, तूने दोनों काम नहीं किए, तो ये लिख दिया तूने पक्का, हाँ या ना, हाँ समझा, तुम देखो स्टार्टिंग में तुम लोग को बहुत, जो लोग ऐसे आते हैं ना क्या होता है कि सवाल पूछते हैं ना बच्चों को, तो उन लोगों का एक रॉन्ग परसेप्शन हमको सब्जेक्ट आता है, वो टूटने लगता है पहले, तो वो बहुत बच्चे लोगों को अच्छा नहीं लगता है अंदर से कि ये क्या है, ये तो मेरे को आता था उल्टा सर ने भुला दिया, जबकि वो जवाब अगर आता था जवाब क्यों नहीं दे रहे, फिर नहीं मैं आता है लेकिन जवाब नहीं देता, ऐसा समझा कि नहीं, तो ये ऐसा है कि मेरे को आता नहीं है लेकिन मैं बोलूं कि है ना जैसे मैं जाके एक वेबसाइट पे देखो कि अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल क्या होती है, समझा, मेरा फर्स्ट ईयर था आर्टिकलशिप का, फर्स्ट ईयर और दिवाली थी, दिवाली अब तब तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, तो है ना कहीं से पी सी ओ दिख गया तो फ़ोन करते थे, तो हम लोग को सब बोला कि दिवाली का गिफ्ट है ना इनकम टैक्स ऑफिसरों को बांट के आओ, तो पी उनको भेजा मेरे साथ भी ऐसे जा बांट के आओ, हमें तो है ना कुछ बॉक्स वॉक्स में दिया हमको, बोला गिफ्ट देना है ऑफिसर को, ऑफिसर को हम लोग देखे आएंगे जाके, तो मैं गया और प्यून था हमारे साथ, एक प्यून था और मैं था, दोनों जा रहे थे, तो है ना मेरे को लगा कि एक्चुअली मैं उधर पहुंचा तो मुझे फिर भी डर लगा कि पहली बार जा रहे यार ऐसे देंगे मतलब क्या लगेगा यार, चोरी दे रहा है रिश्वत दे रहा है, दिवाली हमको मालूम नहीं तो कॉमन चीज़ है दिवाली देना, तो फिर भी मैंने बोला एक ऑफिस में फ़ोन कर दो सर इसको ही देने का नहीं है, तो मैंने फ़ोन किया ऐसे ही लकी लिया ऐसे ही, और मेरे को लगा मेरा बॉस भी डांटेगा अभी तो ये साला फालतू में फ़ोन करता है, तो मैंने लैंडलाइन ही अभी उसके ऑफिस से फ़ोन किया, तो उसने बोला थैंक यू तुमने फ़ोन किया, क्यों, बोला उसको गिफ्ट मत देना वो वाला, तो क्यों, बोला वो वाला मेरा वो ब्राउन में था पैक किया ना मत देना उसको, क्यों, तो बोला कि वो ऑफिसर को उसमें हेयर ऑयल है इम्पोर्टेड और ऑफिस टकलू है बोला इसको देंगे ना भड़क जाएगा बोला गलती से ऐसा हो गया, बाद में हमको याद आया कि उसका तो वो तो एकदम बाल एकदम खत्म है पूरा बंजर धरती है बोला अच्छा हो तुम्हें डर के फ़ोन किया था, उसको लगा क्या कॉशियस है वाह बच गए ना, थ्री सैंपल दे दिया, एक 40 दोनों साइड लिखा हमने, अगर रिलायबल से होते तो ऐसी करते, इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू रुपीज, देखो तुम लोग ने इनवॉइस 2.5 लाख का था एंटर्ड किया बट नॉट इंक्लूडेड, तो तुम लोग ने इनवॉइस पी एंड एल में तो बराबर लिखा है ना, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलत आई है वो हम अलग से बता देते, क्या है, हाँ देखो यहां तो क्या करते हैं हम स्टॉक में इंक्लूड कर देते, 2.5 लाख लिखेंगे ना यहाँ पे, हमने स्टॉक में ऑलरेडी एड किया हुआ है कि नहीं, हाँ ठीक है वो छोड़ो, इसको स्टॉक में तो हमने स्टॉक का तो एडजस्टमेंट किया है ना हमने, वो हम साथ में करेंगे, गुड्स ऑफ 2 लैक्स वर डिलीवर्ड, और सेल्स लिखा नहीं ना तूने, क्या नहीं लिखा सेल, तो बाय क्या सेल्स अभी का था ना यार,
लिखे है कि नहीं सेल्स, बोल तू हाँ कि नहीं? फिर तूने फालतू में सेल्स लिखा है, कौन सा कितना सेल्स लिखा है इसका? सेल्स ऑन अप्रूवल कितना? 1 लाख। 1 लाख कैसे बोलो, 1 लाख कैसे? काफी पढ़े लिखे हो तुम लोग, 1 लाख कैसे? 75,000 प्लस 25,000 ना, तो 1 लाख कैंसिल कर दिया। लेकिन इसको स्टॉक में लेना चाहिए ना, दो चीज मुझे स्टॉक में लेनी चाहिए थी, कौन सी? ये 250 नहीं लिया और 75 ना, तो मैं ऐसा भी कर, देखो यहां तो मैं दोनों चीज यहां लिख दूं, 2 लाख भी लिख दूं और 2,50,000 और 75 लिख दूं, या फिर मैं बोलूं कि स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले? 375 थी, अभी व्हाट है ना, बाय है ना, नहीं 7 लाख नहीं लिखूंगा, डिफरेंस लिखूंगा ना मैं, 7 लाख में से तो लिया हुआ है कितना, बाय 3 लाख ना, वैल्यू टेकन कितना रहा? 3 लाख, एंड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 7 लाख है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए, बोलो कितना ऐड करना चाहिए? 325 ना, और 325 कैसे है? 250 और 75 वही है, या तो 250 75 दोनों लिख दे, या बोल मैं 375 लिया हूं और मुझे लेना चाहिए था 7 लाख। अब करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगी आपकी, टू व्हाट? 680, 1180। चलो हो गया, कैसा था समय, समझा कि नहीं? था ना रापचिक सम।